Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
की नित्यानंद महाप्रभु की जय। उदय श्रा भक्त पर महाराज की जय। श्रा प्रभु पर महाराज की जय। राय गौर प्रमाण महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ
पश्चिमे पातु सर्वेषु पश्चिमे सर्वतो मुखा नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यं भीषण विग्रह ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमंगलदायक संसारमयदः पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लाद मुखमंडितम् भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम् वृश्चिकोरग सम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दुरुसारण कारणं भुजे वातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयु कर्म सिद्धय देवासुर मनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसंध्यं ति संध्यं वा यः पठेत् नियतो नर सर्वमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पाठेषुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य गृहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वायाभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहा ध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च सुखोऽपि सम्भव किमत्र बहुनोक्तेन सदृशो भवेत् मनसा शिक्षितं यत्तु सतच्चाप्नोति संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लाद प्रोक्तं श्रीनृसिंहा कवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक नृसिंहदेव भगवान् की सर्वविघ्नविनाशक नृसिंहदेव भगवान् की भक्तवत्सल नृसिंहदेव भगवान् की भक्त श्रोमणी प्रह्लाद महाराज की गौरव प्रेमानंद भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। सब प्रेम के साथ मंगलाचरण कीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः
तो हनुमान जी ने एक ही उत्तर दिया कि मैं ये सारे कार्य इसके लिए कर सका क्योंकि मैं भगवान श्री राम का दास। अर्थात भगवान अपने दासों के द्वारा वो कार्य भी करवा देते हैं जो कि संसार के लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल होते हैं। जैसे आज से 50 वर्ष पहले हम देखते हैं वृद्ध सन्यासी 70 साल की आयु में अमेरिका में जाते हैं। कौन पूछेगा अमेरिका जैसे ऐसे कंट्री में जहाँ पर केवल काम वासना है, केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति है, ऐसे कंट्री में कौन पूछेगा एक ऐसे सन्यासी को। लेकिन भगवान का सेवक, भगवान का दास जब कोई कार्य करने के लिए जाता है ना, तो प्रकृति अनुकूल हो जाती है, ये पंच महाभूत उनके शरण में आ जाते हैं क्योंकि भगवान उस अपने भक्त को श्रेय देना चाहते हैं। तो यदि आप भगवान के लिए कुछ कार्य करने के लिए ठान लो ना मन में, जब ठान लो कि मुझे भगवान के लिए करना है, तो ये मत सोचो कि मेरे अंदर तो योग्यता नहीं है, मेरे अंदर तो शक्ति नहीं है, मेरे अंदर तो इतना बल नहीं, साहस नहीं, वो सब भगवान ने दिया जिसके पास भी है। जब वो उसको दे सकता तो मुझे क्यों नहीं दे सकता, है ना, मतलब वो किसी को भी दे सकता है। तो बस ये ठान लेना कि मुझे भगवान के लिए ये सेवा करनी है। वो जब आप एक बार निश्चय कर लेते हो ना कि मुझे सेवा करनी है, तो वो योग्यता भी देते हैं, वो शक्ति भी देते हैं, वो बल भी देते हैं, करते भी वो खुद हैं। अर्जुन को जब भगवान ने कहा देखो अर्जुन तुम्हें इन सब कौरवों का नाश करना, अर्जुन ने बोला मुझे करना है, मेरे लिए तो बहुत कठिन है, इससे बेहतर तो क्या है कि मैं भिखारी बन जाऊं, भीख मांग कर खा लूं, लेकिन इन सबको मारना मैं नहीं चाहता। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, तुम्हें मारना थोड़ी है, मैया वेते निहत्ता पूर्वमेव, इन सबको तो मैंने पहले ही मार चुका है, बस खाली तुमको क्या करना है, तुम्हें निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, आपको खाली निमित्त बनना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी कर दी, क्या कहा, पृथ्वी याचिन यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइ बे मोर नाम। भगवान चैतन्य ने कह दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर जितने भी नगर और गांव हैं, वहां पर सर्वत्र मेरा प्रचार होगा। ये भगवान ने कर दिया है। आज हमको दिख रहा है कि यहाँ पर हो रहा है, वहां पर हो रहा है, लेकिन ये भगवान ने ऑलरेडी कर लिया। अब जहाँ हो रहा है, जिन भक्तों के द्वारा हो रहा है ना, भगवान खाली उनको बस श्रेय दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, भगवान के कार्य में लग जाए, करते भी भगवान है और नाम भी हो जाता है। तो इसी तरह से हनुमान जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब भगवान श्री राम की मुझ पर असीम अनुकंपा है जिसके कारण मैं ये सब कार्य कर सका। तो हम रामायण में थोड़ा सा अगर डिटेल से देखते हैं, थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं, तो हमने देखा कि भगवान की कथा है और भगवान की कथा में जो कुछ भी हो रहा है अब तक आश्चर्यजनक हो रहा है और अनसर्टेन, मतलब प्लानिंग कुछ और हो रही है और हो रहा कुछ और है। भगवान की कथा है और हमने देखा जो जो प्लानिंग्स आज तक हुई ना, वह सारी प्लानिंग्स फेल होती गई भगवान की। जैसे शुरू में हमने देखा सुबह को श्री राम को राज्याभिषेक होने वाला था, सारी तैयारियां, रामचंद्र को बोल दिया कि सुबह को आपको ये वाली ड्रेस पहननी है, राज्याभिषेक के लिए यहाँ पर आना है, सब तैयारी कंप्लीट हो गई। और उसी समय रातों रात सारी प्लानिंग चेंज हो जाती है और राजा बनने की बजाय श्री राम को 14 साल के लिए वनवास मिल जाता है। भगवान के राज्य अभिषेक की तैयारी और वो वनवास में बदल जाती है। उसी समय दशरथ महाराज इतने प्रसन्न हैं नरसिम्हादि भगवान की, दशरथ महाराज इतना प्रसन्न है कि उनको लगा संसार में सबसे बड़ी प्रसन्नता मेरी यह वाली है। और उसी समय जब भगवान श्री राम जो है वो वनवास में जाते हैं, तो दशरथ महाराज इतने दुखी हो जाते हैं कि उस दुख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान के पिता हैं, सारी प्लानिंग फेल, खुशियों में से बिल्कुल
दुख के समुद्र में डूब गए। उसी समय हम देखते हैं माता केकई, जो कि कल तक श्री राम की इतनी प्रिय माता है, सिर्फ एक मंथरा के एक शब्द कहने पर, थोड़ा सा संग कर लिया मंथरा से, और वो ही प्रिय माता भगवान श्री राम की शत्रु बन जाती हैं। माता सीता जो कि एक राजकुमारी है, राज परिवार से आई है, भगवान श्री राम की पत्नी है, और इतने बड़े राज परिवार में बहू बनकर आई है, और वहां पर आते ही आज उनको वनवासिनी के वस्त्र पहनकर वनवास के लिए जाना पड़ता है। भरत महाराज जो कि इतना आनंद से अपने नाना के घर पे बैठे हुए हैं, आनंद मना रहे हैं, और आते हैं, उनको कुछ नहीं पता, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आते ही पूरी अयोध्या की दृष्टि में मुजरिम दिखा है, सब उनको मुजरिम की तरह देखते हैं कि वो मुजरिम है, इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ इनके। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो जो प्लानिंग हुई, जिस जिसने की ना, वो सारी प्लानिंग थे, यहाँ तक कि भगवान अब वन में भी आ गए। वन में आने के बाद उन्होंने सोचा चलो ठीक है, पंचवटी में आकर बैठ गए, एक अच्छी सी परम कुटी बना ली, बोला 13 साल यहाँ पर सुख से जिएंगे, 13 साल हो गया, 13 साल आनंद से यहाँ पर गुजारेंगे, 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे, अयोध्या। भगवान ने ये प्लानिंग की है, और यहाँ पर देखो कितना बड़ा प्लान, अचानक से एक हिरण आ गया, बस एक हिरण को पकड़ने के लिए गए, पत्नी भी गई, सब कुछ लुट गया, भगवान की यहाँ पर भी प्लानिंग फेल हो। तो भगवान क्या दिखाना चाह रहे हैं कि प्लानिंग करना छोड़ दो, ये जो आप प्लानिंग करते हो ना, आप जो चाहोगे वो तो होने वाला नहीं, होगा वही जो वो चाहेगा, इसलिए आप बोलो जैसा आपको अच्छा लगता है ना, वैसी प्लानिंग करो। तो जब भी आपकी कोई प्लानिंग फेल हो जाए, तभी कृष्ण को ये भगवान के सामने ये प्रार्थना रोजाना करो कि ओ कृष्णा, व्हेन आई लूज माय हॉप्स एंड माय प्लानिंग्स, मेरी जो प्लानिंग्स हैं वो जब पूरी ना हो, जब मेरी उम्मीदें पूरी ना हो, तब मुझे इतना याद करा देना कि तुम्हारी जो प्लानिंग्स हैं वो मेरी प्लानिंग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा बेहतर है। मेरी प्लानिंग्स तो अगर मैंने की है वो मेरे लिए तो गलत भी हो सकती है, अनुचित भी हो सकती है, लेकिन योर प्लानिंग्स आर मोर बेटर देन माय ड्रीम्स। मेरे ख्वाब तो हैं बहुत सारे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तुम्हारे जो मंसूबे हैं, भगवान की जो प्लानिंग्स हैं, वो मेरे ख्वाबों से बहुत ज्यादा बेहतर है। इसलिए जब हम सरेंडर हो जाते हैं ना, खुश रहने का एक सुंदर फॉर्मूला है, क्या जैसा भगवान करता है वही हमारे लिए बेहतर है। ये अगर एक जुमला हमको समझ में आ जाए ना, ये एक सेंटेंस यदि हमको समझ में आ जाए कि भगवान जो भी करेंगे उसी में हमारा कल्याण है, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। दुखी हम कब होते हैं, जब हम प्लानिंग अलग करते हैं और होता कुछ और है, और हम समझते ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसा होना चाहिए, तभी हम दुखी होते ना। इसीलिए भगवान को अगर प्रार्थना करनी है तो ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान आपकी रजा में राजी होना सिखा दो, आपको जो अच्छा लगता है आपकी प्लानिंग्स के अनुसार मुझे जीना सिखा दो, बस जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा मुझे अच्छा लगने लगे, जो तुमने प्लानिंग्स की है वो मुझे पसंद आ जाए, तो फिर जीने में कोई भी कठिनाई नहीं, एकदम सरलता से 4 दिन की जिंदगी यूं खत्म हो जाएगी। खुशी से जीने का यही फार्मूला है, जो भगवान करता है उसी में खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी पंचवटी में रह रहे हैं, वहाँ पर तो सीता मैया का हरण हो गया है, और आगे अब एक सुंदर इतिहास, अब भगवान श्री राम जो है सीता मैया को ढूंढने के लिए किष्किंधा की ओर जा रहे हैं, और वहाँ पर उनकी भेंट होती है परम भक्त, परम भगवान के दास हैं हनुमान जी के। हनुमान जी का एक परिचय मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही सुंदर इतिहास है कि अयोध्या में एक राम भक्त रहते थे, जो प्रभु श्री राम के बहुत ही अच्छे भक्त थे, और एक बार क्या हुआ, रामनवमी का दिन था, उन्होंने उपवास रखा, वो अयोध्या में गए, और अयोध्या में वहां पर श्री राम की जन्मभूमि में जाकर, जन्म तिथि के दिन अयोध्या की भूमि में जाकर वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे,
तिथि कौन सी है? रामनवमी। जन्मदिन किसका है और जगह कौन सी है? अयोध्या। उस समय वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो सब लोग भी उसको थोड़ा सा हैरत से देख रहे थे कि आज जिसका जन्मदिन होगा उसी का गुणगान होना चाहिए। श्री राम ने भी सुना और वो एक बार नहीं बार बार पढ़ रहे थे। श्री राम उस समय प्रकट हुए और उनसे रहा नहीं गया और बोलने लगे, ए कर क्या रहे हो तुम? मतलब आज रामनवमी है, मेरा जन्मदिन है, मेरी जन्मभूमि है और तुम भक्त भी तो मेरे हो, फिर तुम मेरा नाम लेने की बजाय क्या पढ़ रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उस भक्त ने बोला कि प्रभु श्री राम, एक बात सच्ची सच्ची बताऊं, आई रिगार्ड हनुमान मोर देन आई रिगार्ड यू। आपसे ज्यादा मुझे हनुमान जी के ऊपर भरोसा है या हनुमान जी के शरणागति हूँ। तो बोला ऐसा क्यों? तभी श्री राम ने उनसे प्रश्न पूछा, ऐसे तुम कैसे कह सकते हो अगर एक साइड पर मैं खड़ा हूँ और एक साइड पर हनुमान जी खड़े हैं, तो मुझे बताओ तुम किसको चुनोगे? तभी वो भक्त कहने लगा, एक दफा तो गौर से श्री राम की ओर देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, सच्ची बताओ एक क्षण के लिए भी सोचूंगा नहीं, मैं तो हनुमान जी को चुनूंगा। तभी श्री राम ने कहा, मतलब क्यों? मेरे भक्त हो तो तुमको मुझे चुनना चाहिए। तभी उसने बताया बहुत ही सुंदर बात जो उन्होंने बताई है, वो कहा कि हे भगवान, आप जो हो ना, जो भगवान है वो एक कमल पुष्प की तरह है, कमल का पुष्प होता है ना उसकी तरह है, और भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो गुणगान है वो उस कमल के अंदर मधु की तरह है। कमल के अंदर जो मधु है, हनी है, उसकी तरह भगवान की लीलाएं हैं। अब कोई साधारण व्यक्ति क्या कमल में से मधु निकाल सकता है? आप जाओगे, कमल जो है ना उसकी सारी पंखड़ियां तोड़ के, उसके बीच का जो है ना उसका मसाला कूट के सारे कमल को तितर बितर कर दोगे, बिखेर दोगे, लेकिन क्या उसमें से आप मधु निकाल सकते हो? वो मधु निकालने के लिए तो कोई भंवरा ही चाहिए। तभी कहा कि देखो, आप तो एक कमल पुष्प की तरह हो, आपकी लीलाएं, आपकी महानताएं, आपका गुणगान एक कमल पर, कमल के अंदर जो मधु की तरह है, और उस मधु को निकालने वाले तो आपके भक्त हैं। वो भक्त जब निकाल के हमको पिलाएंगे तभी तो हमको समझ में आएंगे। देखिए, भगवान को डायरेक्ट प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है, इसीलिए उस भक्त ने कहा कि वो एक महान भक्त जो है उसी की शरण में जाकर हम आपको प्राप्त करते हैं, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवान अगर डायरेक्ट से आपके सामने भी आ जाए तो भी, जैसे हम जानते हैं कि कुंभज ऋषि के वास से जब आ रहे थे शिव और सती ने जब श्री राम को देखा, श्री राम क्या कर रहे थे? वो तो ढूंढ रहे थे ना अपनी पत्नी को, कहाँ है मेरी सीता, कहाँ है सीता, कहाँ है, एक एक पंछी से पक्षी से पूछ रहे थे। एक खग है मृग मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उस समय सीता मैया के वियोग में राम जी को यूं विलाप करते हुए जब देखा, तब सती कहने लगी शंकर जी को, किसको प्रणाम कर रहे हो? ये तो कोई कामुक व्यक्ति लग रहा है। माता जी आप इनको साइकिल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये तो कोई काम, मतलब भगवान को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक कि हम किसी भक्त की शरण में नहीं आते हैं। तो भक्त का गुणगान जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर भगवान का गुणगान बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट। भगवान की कितनी भी महिमा बता दो, लेकिन अगर भक्त का गुणगान नहीं है तो भगवान का जो गुणगान है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे आप नरसिम्हा देव भगवान की कितनी लीलाएं बता दो, लेकिन उसके अंदर यदि प्रहलाद महाराज का जिक्र नहीं आया तो वो लीलाएं बहुत फीकी फीकी लगेंगी। विष्णु भगवान की कितनी महिमा बता दो, दुरु का गजेंद्र का यदि प्रसंग नहीं आएगा तो विष्णु भगवान की महिमा कैसे पता चलेगी?
वामन देव की कितनी महिमा का गुणगान कर लो, महाराज अब बलि के विषय में नहीं बताओगे तो वामन देव की महिमा पूरी नहीं होगी। उसी तरह से श्री रामचंद्र जी का गुणगान हम इतने दिनों से कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसके अंदर हनुमान जी की एंट्री नहीं होती है तब तक श्री राम जी की जो गुणगान है वो बहुत फीका फीका रहता है। तो हनुमान जी का केवल चरित्र या लीला ही सुंदर नहीं है, बल्कि हनुमान जी स्वयं भी अत्यंत अद्भुत सुंदरता रखते हैं। हनुमान जी इतने सुंदर हैं, किसी किसी को लगता है कि हनुमान जी का तो वानर का स्वरूप है तो कैसे कह रहे, लेकिन वो लोग जो ऐसा सोचते हैं वो नहीं जानते कि जब भगवान की भक्ति के अंदर कोई अपने आप को पूरा का पूरा डुबा देता है तो वो किस स्वरूप में वो नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता कि उसका स्वरूप कौन सा है, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत सुंदरता जो है वो आने लगती है। और हनुमान जी के अंदर इतनी सुंदरता है कि जब वाल्मीकि जी रामायण के अलग अलग सेक्शन कर रहे थे, जैसे रामायण को ये कांड बना रहे थे ना अलग अलग कांड, तो जिस कांड में हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं उस कांड का नाम ही क्या रख दिया, सुंदर कांड। क्या नाम रख दिया, अब हनुमान जी को किस तरह से जाना है, वो किस तरह से पूरा हनुमान जी वहां पर जाकर लंका को जला देंगे, ये सब बाद में, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हनुमान जी का जो शक्ति है उसका वर्णन किया जाएगा, इसलिए उस कांड का नाम ही सुंदर कांड रख दिया गया। तो इसी तरह से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, हनुमान जी की पास्ट टाइम्स इतने सुंदर है, इतनी सुंदर महिमा है। तो आज हम हनुमान जी के तत्व को कुछ समझने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, दास्य भक्त के आचार्य हैं, और कुछ लोग उनको शंकर सुवन कहते हैं, कुछ केसरी नंदन कहते हैं, कुछ अंजनी पुत्र कहते हैं, कुछ पवन पुत्र कहते हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि हनुमान जी श्री राम के भाई हैं। तो ये इनमें से कौन सा सत्य है, तो अगर कोई पूछे कि इनमें से सत्य कौन सा है तो उसका उत्तर ये है कि ये सब ही सत्य है। वो शंकर सुवन भी हैं, केसरी नंदन हैं, अंजनी पुत्र भी हैं, पवन पुत्र भी हैं, श्री राम के भाई भी हैं। तो वो किस तरह से है, वास्तव में हनुमान जी की लीलाएं ही खाली अद्भुत नहीं है, उनका जन्म जो है वो विशेष अद्भुत, इतना आश्चर्यचकित है। उनका जन्म किस प्रकार से होता है वो आज हम पढ़ेंगे कि एक समय की बात है, महाराजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना माता जी एक बहुत ही बड़ा यज्ञ का आयोजन किए, बहुत बड़ा यज्ञ, और ये उसी समय एग्जैक्ट वही समय था जब दशरथ महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया था और वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे, यानी जिस समय अयोध्या में दशरथ महाराज अपनी तीन पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और केकई के साथ में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे, उसी समय केसरी महाराज केसरी अपनी पत्नी अंजना माता जी के साथ भी एक यज्ञ कर रहे थे। तो दोनों जगह पर मंत्र उच्चारण हो रहा था। केसरी महाराजा केसरी की ये इच्छा थी कि मेरे घर में एक भगवत भक्त पुत्र उत्पन्न हो, इसीलिए वो शिव जी की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि शिव जी कौन है, वैष्णवाना यथा शंभु। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए केसरी महाराज ने यज्ञ शुरू कर दिया और बहुत ही सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान है, सब लोग प्रसन्न है, और वहाँ पर श्री राम के जन्म के लिए दशरथ महाराज यज्ञ कर रहे हैं। अचानक से क्या होता है, भक्ति के साथ आहुति दोनों तरफ दी जा रही है, भक्ति सहित मुनि आहुति देनी, आहुति तो दी लेकिन अग्नि देवता चरु सिर्फ उस जहाँ पर दशरथ महाराज यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर अग्नि देवता प्रकट हुए, प्रकटे अग्नि चरु कर लेनी। अब यहाँ पर दो जगह यज्ञ हो रहा है, चरु सिर्फ एक जगह प्रकट हुआ, और अग्नि देवता ने जैसे ही दशरथ महाराज को चरु का वो खीर का पात्र दिया तो दशरथ महाराज ने क्या किया, सबसे पहले अपनी पत्नी कौशल्या को दिया, उसके बाद अपनी पत्नी केकई को दिया, और फिर उन दोनों ने एक एक भाग जो है उसमें से सुमित्रा मैया को दिया।
तो सब लोग अपना अपना पार्ट लेकर, अपना अपना जो उनको हिस्सा मिला था वो लेकर अपने अपने रूम्स में चले गए। कौशल्या मैया अपने कमरे में चली गई, सुमित्रा मैया अपने कमरे में, और केकई मैया भी जा रही थी वो। और फिर जैसे ही उस चरु को सेवन करने वाली थी, सेवन किया। अब देखो सीन ऐसा है, ये इतिहास है, ये सत्य है, हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ है। तो जैसे ही वो खाने वाली थी, अब एक साथ तो सारे नहीं डालते ना, थोड़ा थोड़ा करके डालते, तो जैसे एक अंदर थोड़ा गया और दूसरा जैसे जाने वाला था, तो वहां से एक गिद्धनी आई, गिद्ध गिद्ध मना फीमेल गिद्ध जो आता है ना, वैसे आया और उसने उस जो चरु उसके माउथ में जाने वाला था ना, उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ के वहां से उड़ गई। कई मैं तो देख रही है मेरा खीर लेके गए, इतना मेहनत से बनाया था। लेकिन वो तो वो गिद्ध कौन थी, शास्त्र में बताया गया है कि वो गिद्धनी पिछले जन्म में एक अप्सरा थी, जो उन्होंने ब्रह्मा जी का एक अपराध किया था और ब्रह्मा जी ने उन्हें ये श्राप दिया था कि आप गिद्धनी बन जाओ। और जब उसने बोला, बहुत ज्यादा दुखी होकर बोला कि फिर मेरा उद्धार कैसे होगा, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब भगवान का प्रसाद तुम्हारे मुख में जाएगा ना, तब उसी क्षण तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब क्या हुआ, गिद्धनी के हाथ में चरु आ गया, वो खाने वाली थी और जैसे ही एक थोड़ा सा उसके मुख में गया, उसका तो स्वरूप जो है अप्सरा वाला हो गया। उसने सोचा मेरा तो श्राप खत्म हो गया, अब मुझे इस चरु की जरूरत नहीं, उसने वहीं पर फेंक दिया और बाकी वो अपने स्वर्ग लोक में जाने लगी। लेकिन उस समय पवन देवता, अब देखो पवन देवता क्या होता है, वो हर समय हर जगह होता है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा नहीं है ना, लेकिन हम सांस ले रहे हैं तो वो पवन देव की कृपा से ले रहे हैं। तो पवन देवता ने सोचा कि ये चरु तो कितना अनमोल है, ये जो खीर है वो तो कितने सुंदर सुंदर मंत्रा से प्रकट हुई है, तो इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और पवन देवता ने उस खीर को जो कि गिद्ध ने गिराई, उसको अब बहुत ही संभाल के और संभाल के उन्होंने जाकर शिव जी को दे दी कि भाई ये खीर है, इतनी महान है, गिरने वाली थी लेकिन मैंने इसको संभाल दिया है, आप इसको रखिए। और शिव जी ने देखा कि अभी मेरे प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं, एक बार जोर से बताइए कौन कौन कर रहे थे। हाँ, महाराजा केसरी और अंजनी माता जी, ये दोनों यज्ञ कर रहे हैं। तो शिव जी ने बोला उनको तो भक्त पुत्र चाहिए, तो मैं ये खीर जाकर उनको दे देता। तो शिव जी वो खीर जो है वो पात्र में लाकर उनको देते हैं और शिव जी उनको बोलते हैं कि ये जो चरु है उस वो उसके ये चरु जो है इसके अंदर बहुत शक्ति है और मैं आपको वरदान देता हूँ कि इसके प्रभाव से आपको एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो कि साधारण नहीं होगा, ये मेरा ही स्वरूप होगा और 11वें रुद्र के रूप में मेरे अंश से आपके पुत्र के रूप में प्रकट होगा और ये मेरा आशीर्वाद है। तो शिव जी ने ये हनुमान जी के लिए 11वां रुद्र शिव जी के आशीर्वाद के रूप में केसरी जी और अंजनी के यहाँ पर भगवान हनुमान जी का जन्म होता है। और यहाँ पर ऐसे बताते हैं कि जैसे ही शिव जी आशीर्वाद देकर चाहते हैं, दिन गुजरते जाते हैं और कुछ 9 महीने के बाद एक बहुत ही सुंदर अवसर आता है कि उस दिन हनुमान जी इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की, अंजनी पुत्र हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की। तो ये इस तरह से पवन पुत्र कैसे हैं, क्योंकि वो चरु जो है पवन देव ने पकड़ा था और जाकर शिव जी को दिया था, और केसरी नंदन या अंजनी पुत्र कैसे हैं क्योंकि उनके गर्भ से, और राम जी के भाई कैसे हैं क्योंकि ये उसी चरु से प्रकट हुए थे जो चरु उनके मतलब उनके यज्ञ में प्रकट हुआ था। तो इस तरह से हनुमान जी का अद्भुत प्राकट्य है, हनुमान जी के अंदर बल था, इतना पराक्रम था उनके अंदर, इतना बल था कि वो कुछ भी कर सकते थे, मतलब शुरू से ही, क्योंकि ये जो शक्ति है ना, शिव जी का आशीर्वाद है और अग्नि से उत्पन्न हुए चरु के द्वारा उत्पन्न हुए, तो उनको ना भूख बहुत लगती थी। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी को सुलाकर अंजनी माता कहीं पर कार्य के लिए गई थी,
और उनको भूख लगी थी इतनी जोर से, वो देख रहे थे कुछ बना के तो नहीं गई है मैया। सारे ढक्कन खोल के देखा, सब खाली पड़े थे। तो खिड़की से देखा बाहर एक बहुत ही सुंदर है ना, कोई गोल गोल फ्रूट चमक रहा है। उन्होंने समझा शायद फ्रूट है, लेकिन वास्तव में वो क्या था, क्या था? सूर्यदेव। सूर्यदेव को बार बार देख रहे थे, इतने सारे फ्रूट्स मैया खिलाती है मगर ये वाला फल कभी नहीं खिलाया। ये वाला तो और भी ज्यादा है ना सुंदर है, जितना सुंदर होगा तो उतना ज्यादा टेस्टी भी होगा, तो कितना अच्छा हो कि ये वाला फल खा लेते। चलो मैया भी नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, चलो आक्रमण करते। और उसी समय हनुमान जी जो है उड़ के उधर चले जाते हैं। उनको बचपन से ही उड़ना आता था और इतना उड़ के वहां पर जहाँ सूर्य देव है, और सूर्य देव को पकड़ के मुख के अंदर डाल देते। और जैसे ही सूर्य देव मुख के अंदर चले जाते हैं, पूरे तीनों लोगों में हाहाकार मच जाता है। अब सूर्य नहीं है तो अंधकार हो गया, सारी संसार में अंधकार, सारे देवी देवता तारीमाम तारीमा, हमारा सूर्य देव किसी ने खा लिया। सोचने की बात है ना, ये सुनने में कितना साधारण क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार सुना है, लेकिन आप सोच सकते हो सूर्य किसी ने खा लिया हो तो संसार का क्या हाल। और सारे देवी देवता जो है वो इतना परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, सूर्य देव के बगैर तो संसार का जीना बिल्कुल संभव ही नहीं है। आपको पता है सूर्य अगर नहीं होता ना तो सारे जितने भी लोग हैं ना वो सब जम जाते। हर लोक में सूर्य देव की उसकी मात्रा से गर्मी आ रही है, इसी के कारण हम सब जी रहे हैं। अगर सूर्य नहीं होता तो ना कोई प्रकाश होता और ना ही कोई गर्मी होती। गर्मी के जितने भी सोर्सेस हैं वो सूर्य से आते हैं। तभी सारे देवी देवता बोलने लगे अब तो प्रलय से पहले प्रलय आ जाएगा, अब क्या किया जाए। तो सारे देवी देवता जो है वो मिलकर जाते हैं इंद्र के पास, और इंद्र को कहते हैं कि आप तो क्योंकि हम सब देवी देवताओं के राजा हो तो आप कुछ करो, आप कुछ ऐसा करो कि सूर्य देव वापस आ जाए। तब इंद्र ने कहा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा जो ये वज्र है उसके द्वारा मैं उसकी हत्या कर दूंगा जिसने सूर्य देव को निकला है। तो इंद्र देवता जो है वो अपना वज्र लेकर आते हैं, पहले सारे देवी देवताओं को भेजते हैं, सारे देवी देवता अपने पराक्रम दिखाते हैं, लेकिन हनुमान जी के ऊपर किसी भी देवी देवता का असर ही नहीं होता है, ना उसके शस्त्रों का, ना उसके अस्त्रों का, ना उसके मंत्रों का हनुमान जी के ऊपर असर नहीं होता है। तभी इंद्रदेव ने कहा मेरा वज्र जो है वो अचूक है, वो जिसके ऊपर लगेगा तो जरूर उसका नाश हो जाएगा, इसीलिए इंद्र जो है अपना वज्र चलाते हैं। और जैसे ही इंद्र का वज्र चलता है, अच्छा हनुमान जी का नाम हनुमान है, हनुमान का मतलब पता है किसी को? वेरी नाइस। हनु कहते हैं चिन्ह को, और चिन्ह जो है उसके ऊपर इनका वज्र लगा था, इसीलिए क्योंकि क्रेक्ट क्रेक्ट हो गया था चिन्ह चिन्ह उनका, इसीलिए उनका नाम हनुमान है। तो इस तरह से हनुमान जी को जैसे ही इंद्र ने वज्रपात किया तो हनुमान जी को लगा जोर से और हनुमान जी मूर्छित हो गए। जैसे ही हनुमान जी मूर्छित हो गए उस समय सारे देवी देवता तो खुश हो गए कि अभी तो हमारे सूर्य देव निकल आएंगे, और सूर्य देव तो ना निकले तो वो अलग बात है, लेकिन उस समय पवन देवता क्रोधित हो गए। पवन देवता ने बोला मेरे पुत्र को, इंद्र तुमको पता नहीं है मेरा पुत्र है, और तुमने मेरे इतने नादान से नन्हे से बालक के ऊपर वज्र का प्रहार करके उसको मूर्छित कर दिया, तुम समझते क्या हो? ये जो त्रिलोक है ना वो इसीलिए जीवित है क्योंकि मैं वायुदेव इस पूरे त्रिलोक को श्वास जो है वो लेने की शक्ति दे रहा हूँ, मेरे कारण सारे सारे जगत में जीव जो है वो सांस ले रहे हैं। अब तुम देखो मैं अपनी वायु को खींच लूंगा तो फिर कोई भी सांस नहीं ले सकेगा। तो इंद्र को बदला लेने के लिए पवन देव क्या करते हैं, सारे संसार की वायु को खींच लेते हैं। अब जैसे ही वायु खींच ली तो क्या होता है, हर जगह पे सब लोगों का दम घुट रहा है,
सारे देवता, सारे मनुष्य, सारे पशु पक्षी, सबका दम घुट रहा है, कोई सांस नहीं ले रहा है, कोई क्या कर सके। अब सारे देवी देवता जो है, अब इंद्र के ऊपर तो वैसे ही क्रोधित है, सारे देवी देवता जो है वो प्लान करते कि अब किधर जाए, तो वो सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि इतना बड़ा कांड हो गया है, पवन देवता ने सब जगह से वायु खींच ली है, कोई हवा नहीं है तो कोई सांस नहीं ले सक रहा है, आप ही कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो सब लोग मिलके पवन देव को मनाते हैं। तो सब लोग पवन जी को मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन पवन देव ने कहा तूने, इंद्र ने मेरे बेटे को मारा है, इसके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार, छोटा सा बच्चा है, इसको वज्रपात किया। बोला वो आप इंद्रदेव हैं, वो बोलते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, अब बताइए करें क्या, आप अगर ये वायु को वापस है ना देने के लिए क्या करोगे। तो बोला देखो मैं वापस से सब कुछ सही कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। बोला क्या? बोला ये सब जो मेरे पुत्र को अभी जब मारा है ना, ये सारे देवी देवता जो है वो मेरे पुत्र को अपने आशीर्वाद प्रदान करेंगे, अपने अस्त्र और शस्त्र प्रदान करेंगे, उनकी सारी शक्ति को रिवाइव करेंगे, सब उनको बहुत सारे वरदान देंगे, उसके बाद ये शर्त है अगर ऐसा करोगे तो मैं है ना पवन देव जो है वो वायु को बहाऊंगा वापस। तभी सब देवता जो है ना वो राजी हो जाते हैं, भाई कुछ भी हम देने के लिए तैयार हैं, खाली अपनी पवन को बोलो कि अभी संसार में वापस से आ जाए और सब लोग ताकि सांस ले सके। तो इस तरह से सारे जितने भी देवी देवता हैं वो सब अलग अलग पवन जी को, पवन पुत्र हनुमान जी को बहुत सुंदर सुंदर वरदान देते हैं, और इतने सुंदर, कोई बोलता है कि आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकते हो, कोई उनको बोलता है आप बड़े बड़े समुद्र को लांग सकते हो, कोई बोलता है कि आप आकाश तक उड़ सकते हो, आप बादलों के पीछे जा सकते हो, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसे आप परास्त हो, आप किसी के साथ भी युद्ध करोगे तो आपकी विजय होगी, बहुत सारे वरदान मिलते हैं। और बहुत सारे वरदान के बाद इंद्र से पूछते हैं अब आप क्या दोगे वरदान इनको, आपने इनको गिरा है ना, आप बताओ क्या वरदान दोगे। तब इंद्र कहते हैं कि मैं ये वरदान देता हूँ कि आज के बाद मेरा ये जो वज्र है वो कभी भी हनुमान के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, मतलब ये जो वज्र का कभी भी इसको प्रहार असर नहीं करेगा, और वज्र का ही नहीं संसार में जितने भी शस्त्र हैं वो हनुमान के शरीर पर कभी असर नहीं करेंगे। तो इतने सारे देवी देवताओं ने इतने सुंदर सुंदर अस्त्र दिए हैं, इसीलिए हनुमान जी को इसका एक नाम है वज्रांग बलि। हम बोलते ना बजरंग बलि, ये थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन वज्रांग बलि यानी ऐसा अंग है जिस पर वज्र भी कोई असर नहीं करेगा। तो इस तरह से हनुमान जी के बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम्स हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। एक बार क्या हुआ, श्री राम जी सो रहे थे, लेटे हुए थे, और श्री राम के पास एक डायरी रखी हुई थी। वहां पर नारद मुनि आए और नारद मुनि ने देखा उनके पास डायरी रखी हुई है, तो नारद मुनि ने श्री राम को बोला कि आप भी डायरी लिखते हो क्या, मुझे पता नहीं था, मैं देखूं आपकी डायरी में क्या लिखते हैं, डेली रूटीन, आज क्या किया, ये किया, वो किया। तो उन्होंने समझा शायद ऐसा ही कुछ लिखा होगा। तो मैं देख सकता हूँ प्रभु, नारद मुनि को भगवान ने कहा आप देवर्षि हो, आपको कौन रोक सकता है, देख लो। नारद मुनि ने क्या किया, सारे जितने भी पेज है ना वो देखे, शुरू में लिखा हुआ था इस डायरी में उन भक्तों के नाम हैं जो कि सदैव भगवान को स्मरण करते हैं, जो कि सदैव श्री राम को सिमरन करते रहते हैं, उनके नाम है इस डायरी में। तो नारद मुनि ने देखा सबसे पहले पेज पर पहली लाइन का पहला नाम था नारद मुनि का। नारद मुनि तो इतना खुश हुआ, क्योंकि नारद मुनि जो है ना वो डिजर्व भी करते हैं, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करते रहते हैं, तो नारायण नारायण करते रहते हैं। तो लिखा हुआ था नारद मुनि। नारद ने बोला देखो और किस किस के नाम लिखे हुए, सारे पेज देख रहे हैं, सारे भक्तों के नाम थे, सबके नाम थे, लेकिन है ना सिर्फ हनुमान जी का नाम नहीं था। तभी नारद मुनि ने सोचा ये हनुमान तो बहुत सोच रहा है कि मैं भगवान का परम भक्त हूँ, मैं भगवान का सबसे ज्यादा भक्त हूँ, ये वो, इसको तो पता ही नहीं कि डायरी में तो उसका नाम ही नहीं है। तो वो
मुझे जाके उसको बोलना चाहिए। तो नारद मुनि जाते हैं हनुमान जी के पास और बोलते हैं, पता है आज मैं भगवान के धाम गया था। तभी हनुमान जी ने कहा, अच्छा भगवान के दर्शन करके आए, मेरा सौभाग्य भगवान के दर्शन करके आए हो और आपके दर्शन करके मुझे मुझे भी भगवान के दर्शन का लाभ मिल गया, प्रणाम किया, दंडवत किया। बोला वो सब छोड़ो, आज मैं एक अद्भुत चीज देख कर आया। क्या देख के आयो? बोला भगवान के पास ना एक डायरी थी। अच्छा कौन क्या लिखा था भगवान की डायरी में? बोला उन भक्तों के नाम लिखे थे जो सदैव भगवान को स्मरण करते रहते हैं। बोला अच्छा उनके उनके भक्तों के नाम आपने पढ़े? बोला हाँ, तुम्हें पता है सबसे सरे फेरस नाम किसका था? मेरा नाम सबसे पहले लिखा हुआ था। तो हनुमान जी ने कहा, आप तो वाकई में बहुत शुद्ध भक्त हो, तो भगवान ने पहले आपका ही नाम लिखा। लेकिन बोला उसकी भी मुझे परवाह नहीं है, हैरत तो इस बात की है कि आपका नाम तो लिखा ही नहीं था। हनुमान जी का दिल, मेरा नाम ही नहीं था। लेकिन हनुमान जी ने सोचा, चलो क्या कर सकते हैं, भगवान है, जिसको जिसकी भक्ति को स्वीकार करे नहीं करे, शायद मेरी भक्ति में कोई कमी आ गई होगी, मेरा नाम नहीं लिखा, ऐसा सोच रहे थे, क्या करूं अभी, नहीं लिखा तो क्या कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, दूसरे दिन भगवान की सेवा करने के लिए तो हनुमान जी राजी, और हनुमान जी आए सेवा करने के लिए तो उन्होंने देखा भगवान के पास ना दो डायरी रखी। तभी हनुमान जी ने पूछा कि ये एक डायरी वो थी जिसमें लिखा जिसमें उन भक्तों के नाम लिखे हुए थे जो के भगवान को सदैव स्मरण करते। तो हनुमान जी ने कहा, ये दूसरी वाली डायरी कौन सी है, क्या इसका सेकंड वर्जन आया है क्या, ये जो पहली वाली डायरी है? तो बोला नहीं, इसका हेडिंग ही अलग है। भगवान ने बोला, बोला इसके अंदर किसके नाम है? बोला इसके अंदर उन भक्तों के नाम है जिन्हें मैं सदैव याद रखता हूँ। और हनुमान जी ने बोला तो पता है क्या था, पहले पेज से लेकर दूसरे पेज और आखिरी पेज के आखिरी लाइन तक सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ था। क्या नाम लिखा हुआ था? हनुमान। भवन सत्य हनुमान की बली की प्रेमानंदे। तो बहुत ही सौभाग्य है, भगवान के भक्तों के विषय में यदि हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तब भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं। आज हनुमान जी का जन्म हुआ, हनुमान जी के साथ हमारा एक सुंदर परिचय हुआ, तो आज हम सब मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है? जिनको आता है वो मेरे साथ पढ़िए, मैं भी ट्राई करूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, जो दायक फल छा, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल दामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप
नासे रोग हरे
धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की राधार हरे कृष्ण महामंत्र की गौरव प्रेमानंद आभार प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा साधना को अच्छे से कर सकूं और हरे नाम का जप करके गुरु और गौरव का प्रसाद।